लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान। चिराग पासवान की बिहार में पॉपुलरिटी किसी से छुपी नहीं है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चिराग पासवान को किस तरीके से बिहार में लोग चाहते हैं। चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन में भी हैं। बता दें कि चिराग पासवान का अभी भी सीट शेयरिंग पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव का नामांकन का भी डेट खत्म हो गया, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किसी का भी नाम नहीं आया। बता दें कि लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार ही नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड तमाम इस राज्यों में चिराग पासवान का फैक्टर नज़र देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी को बीजेपी को भली भारी जानकारी है कि चिराग फैक्टर बिहार, यूपी, झारखंड में एक स्टार प्रचारक के भी रूप में चिराग पासवान काम आ सकते हैं। इसी के चलते चिराग पासवान को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और चिराग पासवान नीतीश के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं। इसी के खातिर चिराग पासवान नीतीश कुमार को स्वीकार करने के चाहत में नहीं है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक से चिराग पासवान के सीट शेयरिंग वाले विषय पर किसी भी तरीके की अभी तक से कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि चिराग पासवान जमुई लड़ेंगे या हाजीपुर लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान हर एक मंच से कहते आते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा 2024 लोकसभा का। लेकिन चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन की तरफ से किसी भी तरीके का अभी कोई सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अभी तक से फंसा कर क्यों रखी है, बात यहां सवाल उठता है। बिहार के लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चिराग पासवान का कब तक सीट का डिसीजन होगा, चिराग पासवान कहाँ लड़ेंगे, जमुई लड़ेंगे या हाजीपुर लड़ेंगे। लेकिन पशुपति पारस भी अपनी जमुई हाजीपुर की सीट पर दावेदारी ठोकते जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हाजीपुर के साथ समझौता नहीं करूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।